बिहार के रहने वाले दो युवक ट्रेन से अवैध शराब का परिवहन कर रहे थे। मौके पर पहुंची जीआरपी ने दोनों युवकों को दबोच लिया और उनके पास रखे बैग की तलाशी ली तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। पुलिस को भारी मात्रा में अवैध शराब मिली जिसे वे जबलपुर लेकर आ रहे थे। पकड़ी गई शराब की कीमत लगभग 70,000 रुपए के करीब है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए जीआरपी थाना प्रभारी शशि ध्रुवे ने बताया कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि बेंगलुरु से आने वाली ट्रेन में दो युवक अवैध शराब की तस्करी कर रहे हैं, जिस पर जीआरपी के जवानों ने घेराबंदी कर जब युवकों को पकड़ने का प्रयास किया तो वे भागने लगे, लेकिन मुस्तैद जवानों ने दोनों को दबोच लिया और जब उनके पास मौजूद 8 बैग की तलाशी ली गई तो उसमें भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब मिली। पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। जैसे कि अभी चुनाव चुनाव वाले लगे आने वाले हैं आने वाले समय में, उसी के मद्देनजर लगातार हमारी ट्रेनों में और प्लेटफॉर्म में चेकिंग की जा रही है। अवैध शराब और भी जो ट्रेनों में सप्लाई अवैध रूप से हो रही है उसके ऊपर हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। उसी के तारतम्य कल हमें विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई कि बेंगलोर तरफ से जो गाड़ियाँ आती हैं उनमें जो लड़के अवैध रूप से शराब लेकर आ रहे हैं, उसी के लिए हमने टीम गठित की गई और प्लेटफॉर्म पे हमको दो लड़के मिले जिनके पास 8 पिट्ठू बैग थे और पिट्ठू बैग को हमने चेक किया। चेक करने की कोशिश की तो वो भागने की कोशिश से हमने आरपीएफ और जीआरपी दोनों के द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया। उनके बैग को चेक किया गया तो उनके बैग में से अवैध रूप से ये 8 PM विस्की शराब के पाउच मिले जो कुल 740 नग पाउच थे और 133 लीटर, इसकी कुल कीमत है 73,630 रुपये और ये बेंगलोर से पटना लेके जा रहे थे। और ये आरोपी बिहार के रहने वाले हैं। ये सतीश कुमार पिता अरविंद सिंह 35 वर्ष निवासी ग्राम चाक थाना मसौड़ी जिला पटना और दूसरा आरोपी है जितेंद्र कुमार पिता स्वर्गीय रामदास उम्र 23 वर्ष ये भी पटना के रहने वाले हैं। एक इसमें सुपरवाइजर है और एक सफाई का कार्य करते हैं ट्रेनों में। अभी इनके पुल के रिकॉर्ड की भी जानकारी दी जा रही है, ये लंबे समय से शायद इसमें संलिप्त हो तो और भी हम इसमें जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन लोग इस तरह की अवैध शराब का परिवहन करते हैं। उसके लिए हम आगे विवेचना में हम और भी आगे इसमें कार्रवाई करेंगे। यहीं के लोकल ट्रेन पे ही ये काम करते थे कि ये लोकल ट्रेन नहीं है, बेंगलोर से पटना के लिए जो गाड़ियाँ चलती हैं उसमें वेंडर का काम, ये सफाई कर्मचारी और सुपरवाइजर है ट्रेनों में।